वर्षों से सरकारी कर्मचारियों की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया है। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को लेकर कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी है। यह एनडीए गवर्नमेंट की एक नई योजना है जिसे नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के समांतर पेश किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस यूपीएस चुनने का विकल्प होगा। वहीं देश के कई राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस भी संचालित है। ऐसे में अभी ज्यादातर लोगों को ओपीएस एनपीएस और यूपीएस में अंतर और लाभ के बारे में जानकारी नहीं है। अगर आप इन तीनों पेंशन योजनाओं को लेकर कंफ्यूज हैं या फिर जानना चाहते हैं कि कौन सी पेंशन योजना आपके लिए परफेक्ट है, तो आइए हम आपको एक एक करके समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com में सतीन शर्मा। दरअसल वर्षों से सरकारी कर्मचारी ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार इसी लागू नहीं कर रही थी। अब सरकार ने कर्मचारियों की मांग को देखते हुए सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की, वहीं पीएम मोदी ने इस पेंशन को कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला बताया है। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कर्मचारियों के लिए पेश की गई यह पेंशन योजना के अलग साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा जो लास्ट 12 महीनों की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारी को यह पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा जो कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत इंडेक्सेंस को भी जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी या बढ़ोतरी महंगाई राहत के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी। यह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर यानी कि AICPIW के आधार पर कैलकुलेट होगा। वहीं रिटायरमेंट पर एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। इसका कैलकुलेशन कर्मचारी के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर किया जाएगा। यह ग्रेच्युटी से अलग राशि होगी। अगर आप यूपीएस एनपीएस और ओपीएस तीनों पेंशन में कंफ्यूज हैं, तो आइए तीनों पेंशन में क्या अंतर है जानते हैं। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। एनपीएस के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जबकि ओपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि एनपीएस में वेतन से 10% बेसिक और डीए की कटौती होती है। वही यूपीएस में यही अमाउंट कटेगा, लेकिन सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान दिया जाएगा। ओपीएस में जीपीएफ यानी कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि एनपीएस में यह सुविधा नहीं है। वहीं यूपीएस में एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। एनपीएस शेयर बाजार से लिंक योजना है, जिसमें कंट्रीब्यूशन करने पर रिटायरमेंट के वक्त 60% तक अमाउंट एक मुश्त और बाकी बचा 40% अमाउंट एन्यूटी के तौर पर दिया जाएगा। वहीं यूपीएस और ओपीएस एक सुरक्षित योजना है। यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय में भी निश्चित पेंशन दी जाएगी जो अंतिम मूल वेतन का 50% होगा, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। ओपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है और यूपीएस में महंगाई के हिसाब से महंगाई राहत दिया जाता है। यूपीएस में ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि रिटायरमेंट के वक्त दिया जाएगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती रहेगी, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। यूपीएस में कर्मचारी की मौत हो जाने पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा। ओपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, लेकिन एनपीएस के तहत जमा पैसे को सरकार जब्त कर लेती है।
यूपीएस में ब्याज पर टैक्स लगेगा या नहीं ये अभी क्लियर नहीं है, जबकि यूपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। वही एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन पाने के लिए किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। वहीं यूपीएस में भी इन्वेस्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। यूपीएस में 10 साल की सर्विस पर कम से कम 10,000 रुपये पेंशन का प्रावधान है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। यूपीएस में मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएगी, जबकि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में इसका स्पष्ट कोई भी प्रावधान नहीं है। यूपीएस और ओपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही उठा सकते हैं, जबकि एनपीएस प्राइवेट से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक कोई भी कर सकता है। यूपीएस और एनपीएस में अंतर क्या है उसे भी समझते हैं। सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूपीएस और एनपीएस में कोई एक विकल्प चुनने का विकल्प रखा है। अगर आप एक बार एनपीएस चुन लेते हैं तो दोबारा यूपीएस में नहीं जा सकते हैं। यूपीएस का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा, जिसके तहत 23 लाख कर्मचारी को लाभ मिलेगा। वहीं एनपीएस के तहत दो अकाउंट होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2, जिसे कोई भी खोल सकता है और निवेश कर सकता है। यूपीएस एक निश्चित पेंशन स्कीम है, साथ ही फैमिली पेंशन भी मिलेगा। मिनिमम निश्चित पेंशन का भी प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, जबकि एनपीएस एक मार्केट लिंक योजना है। एनपीएस में वेतन 10% की कटौती होती है, वहीं यूपीएस में यही अमाउंट कटेगा, लेकिन सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान दिया जाएगा। यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों को 25 साल नौकरी के बाद फिक्स पेंशन के अलावा एकमुश्त राशि भी मिलेगी। महंगाई दर के हिसाब से ये पेंशन बढ़ेगी। एनपीएस में बहुत कर्मचारी को बहुत कम रुपए ही मिल रहे थे। एनपीएस में कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं था। यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद आखिरी सैलरी का कम से कम 50% पेंशन सुनिश्चित होगा। यूपीएस में 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन योजना का ऐलान करते हुए इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को दिया। साथ यह भी कहा कि 2004 के बाद रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। साल 2004 से अभी तक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी इस योजना के तहत बकाया पाने के लिए योग्य होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बकाया राशि का भुगतान 800 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। वहीं यूपीएस पर विपक्ष सरकार को घेर रही है और ओपीएस की मांग कर रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं होता, बीजेपी सिर्फ नाम बदलती है। पहले एनएसपी लाई और अब यूपीएस लेकर कर्मचारियों की मांग अभी यूपीएस की है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आपकी क्या राय है और आप इसे किस तरह देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesari.com। धन्यवाद।